लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जयपुर वालों, बारिश हो तो यहां से निकलने की गलती न करना, खुले पड़े हैं हादसों के रास्ते। 14 जयपुर वालों, बारिश हो तो यहां से निकलने की गलती न करना, खुले पड़े हैं हादसों के रास्ते। प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते आज भी करतारपुरा नाले के आसपास हादसों के रास्ते खुले पड़े हैं। नाले की दीवार के आसपास दीवारें क्षतिग्रस्त हैं। दो दिन पहले प्रशासन ने रेलिंग तो लगाई, लेकिन अब भी नाले के पास खुला छोड़ा गया बड़ा हिस्सा हादसों को इयुता देता नजर आ रहा है। प्रशासन की लचर व्यवस्था के चलते आज भी करतारपुरा नाले के आसपास हादसों के रास्ते खुले पड़े हैं। नाले की दीवार के आसपास दीवारें क्षतिग्रस्त हैं। दो दिन पहले प्रशासन ने रेलिंग तो लगाई, लेकिन अब भी नाले के पास खुला छोड़ा गया बड़ा हिस्सा हादसों को इयुता देता नजर आ रहा है। बीते साल 25 अगस्त को टोंक फाटक निवासी आयुष ठीक इसी जगह नाले में आए तेज बहाव में कार समेत बह गया था। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था। वहीं आयुष का शव करीब एक सप्ताह बाद आपदा प्रबंधन की टीम ने नाले से खोजकर बाहर निकाला था। हादसे के बाद नाले के नजदीक रेलिंग लगाने की मांग जोर पकड़ती रही।